सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्वेरीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या रीज़न है जिसके कारण 7 साल के प्रयास के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में आपको तकलीफ आ रही है। आपके ना माइंड लाइन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ना ही हथेली में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी जो बता रही है कि आप कैपेबल नहीं है, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ लक के द्वारा ही मिल रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका सूर्य जो रेखा है बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार के सूर्य रेखा वाले भी बहुत ऊंचे पद तक गवर्नमेंट जॉब में पहुँचते हैं, मैनेजरियल लेवल तक या फिर अथॉरिटिकल लेवल तक पहुँचते हैं। लेकिन इस पे जो ये रेखा इस प्रकार से काट करके गई है, इसी के कारण आपको इतना सक्सेस शासन के द्वारा यानी गवर्नमेंट के किसी भी काम में मिला नहीं है। और सूर्य यहाँ पर बताता है आपके यश को, कीर्ति को, सक्सेस के योगों को, तेज को। तो सूर्य का हाथ में मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और सूर्य पर ही अगर कोई दोष लग जाता है तो व्यक्ति के कितने ही प्रयासों के बाद भी सफलता निश्चित रूप से हाथ में नहीं लगती। तो क्या ये हमेशा होते रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए जो है सूर्य के एकदम प्रोमिनेंट रेमेडीज़ करने होंगे, और वो भी एकदम पूरी लगन मेहनत के साथ। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे करके सही होंगी, और जो लक्ष्य की प्राप्ति आप चाह रहे हैं वो आपको प्रॉपरली मिल भी पाएगा। तो यहाँ पर होता यह है कि जब सूर्य पर क्रॉस हो जाता है तो अपने ही लोगों से धोखा भी मिलने लगता है, पिता से रिलेशन में तनाव आने लगता है, आँख से यानी नेत्र से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रबल या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कोई भी काम में प्रॉपर सफलता नहीं मिलती, साथ ही साथ बीच में भी काम अत्यधिक रुकने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इसका पीछे एक ही मात्र रीज़न है, ये सूर्य। भाग्य रेखा के विषय में एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि आपकी भाग्य रेखा जो पहले से चल रही है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टॉपेज है अप्रॉक्सीमेटली 28 से 32 के बीच में ही वो रेखा जो फेड लाइन है रुक गई है। लेकिन कोई रेखा अगर प्रोमिनेंट चल रही है तो वो चंद्र के एरिया से स्टार्ट होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये बात अपने माइंड में ज़रूर एकदम ठान के रख लें कि आपका जो भाग्य उदय है वो आपके जन्म स्थान पर नहीं है। जन्म स्थान से दूर ही जाना पड़ेगा आपको, जन्म स्थान से दूर ही जाकर के आपका जो ड्रीम डिज़ायर या जो एम है वो कंप्लीट होने वाला रहेगा, क्योंकि ये रेखा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो इन फ्यूचर ये अगर शनि के क्षेत्र तक आ गई तब जाकर के आप अपनी लाइफ में फुली सेटिस्फाइड यानी जो आपकी ड्रीम डिज़ायर है वो फुली कंप्लीट हो पाएंगे। तो बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस है, शादी के बाद भी आपकी भाग्य उन्नति है, और शादी के बाद जो है आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लाइफ रहने वाला है। जहाँ तक लाइफ की बात की जाए तो अभी तक का जो लाइफ रहा है, देखिए कितना ज़्यादा यहाँ उतार चढ़ाव, एक आइलैंड भी है, रेखा प्रोमिनेंट है ही नहीं। तो इसीलिए आपने जो एफर्ट्स भी लगाए उसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिल पाया, और इसी के दौरान यानी अभी 32 के एज तक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है लाइफ। लेकिन आपका जो भाग्य उन्नति हो 34 के एज से बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर आपका प्रोग्रेस लाइन निकला है, फिर बाहर की ओर रेखा गई है जो कि बताती है कि फिर आपका कहीं ना कहीं 34 के बाद फॉरेन ट्रैवलिंग चांस या विदेश जाने का योग है, और उसके बाद देखिए फिर आपकी लाइफ लाइन कितनी ज़्यादा सुधर गई है। तो इसीलिए 34 से ब्राइट है, और यहाँ पर भी जो आपकी फेड लाइन है वो 34 के बाद से और ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर होते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अभी भी यहाँ पर ब्राइट आपके देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक रही मैरिज के विषय में बात, तो देखिए मैरिज में अरेंज मैरिज का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ये है आपका पाम पिक जिसमें आपने दोनों हाथ अपने दिखाए हैं, तो यहाँ अर्धचंद्रमा पूरा क्लियर कट बन रहा है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा जो है खुशहाली जीवन में आने को देखने को मिलती है। जो आपके स्पाउस रहेंगे उनसे आपका अटैचमेंट हुआ या एक प्रकार से लक फैक्टर हुआ या अंडरस्टैंडिंग हुई बहुत शानदार रहने वाली है, और बहुत सपोर्टिव नेचर के स्पाउस आपके रहने वाले हैं। तो अर्धचंद्रमा बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है मैरिज के लिए, और आपका मैरिड लाइफ बेसिकली बहुत अच्छा यहाँ पर शो भी हो रहा है।
यहाँ पर जो मैरिज में थोड़ा सा जो डिले के योग हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि गुरु माउंट यहाँ थोड़ा सा दब गया है, तो ये मैरिज में थोड़ा डिले तो करवाता है, लेकिन यहाँ गुरु माउंट नेगेटिव आपका नहीं है क्योंकि यहाँ जो प्रोग्रेसिव लाइन गई है, एक क्रॉस की टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी बना है, आड़ी भी रेखा है, जो धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि भी लाएगी और मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के साथ साथ एक्सट्रीम लेवल के नॉलेज को भी इंडिकेट करता है कि आपके पास नॉलेज की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रहेगी। तो अब यहाँ बात आती है कि बिज़नेस किया जाए या ना किया जाए, तो बिज़नेस में भी जो आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा उसका एक तो रीज़न ये यहाँ पर सन माउंट पे क्रॉस है क्योंकि ये किसी भी काम में सक्सेस होने नहीं देता। दूसरा, लाइफ लाइन भी इस टाइम पे ट्रबल के साथ चल रही है और एक डीप कट यहाँ पर राहु रेखा है जिसके कारण ये 29 से लेकर के 31-32 के बीच में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड आपको लॉस या ट्रबल भी फेस करना पड़ा है। लेकिन अब आने वाले टाइम में, जैसे मैं 34 की आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद से आपका जो फेट लाइन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। यहाँ से ये देखिए, इधर से भी एक फेट लाइन निकली हुई है जो गुरु की तरफ जा रही है, जो बताती है कि विदेश से लाभ मिलने के योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों से आपको लाभ मिल पाएगा और शादी के बाद भाग्य उन्नति होगा। तो ये जो सारे योग हैं ये 34 के एज को ही बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बिज़नेस किस चीज़ से रिलेटेड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके मरकरी लाइन है जो बताती है कि बिज़नेस में आने के योग अच्छे हैं। माइंड लाइन से भी यहाँ पर प्रोग्रेसिव लाइन आपका निकला हुआ है जो बताता है बिज़नेस में आपका सेंस बढ़ेगा। लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो हाँ इस कारण से ये दिक्कत आती है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाता है और एनालिसिस भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपने बिज़नेस पर कदम तो रखा, इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो कंटिन्यूटी हुई या एक प्रकार से एनालिसिस की कैपेसिटी हुई या मार्केटिंग स्किल हुई, इसमें ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ, बाधा या मार खा गए होंगे। बाकी आपका जो बुध माउंट है वो कुल मिलाकर के ठीक एरिया ले रहा है, एक दो रेखा वाले भी करोड़पति बनते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर आपका जो बुध है कुल मिलाकर के अच्छा है, अगर बुध अच्छा नहीं होता तो इतना नॉलेज आप गेन ही नहीं कर पाते इसके बिना, बुध के बिना। अब इसके बाद किस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, तो शुक्र हाथ में सबसे ज़्यादा डेवलप है, मंगल भी डेवलप अच्छा है, चंद्र ठीक है, गुरु थोड़ा सा यहाँ पर डेवलप ज़्यादा नहीं है, मंगल ज़्यादा डेवलप नहीं है, शनि कुल मिलाकर के अच्छा डेवलप है। तो तकरीबन देखा जाए तो हर चीज़ से रिलेटेड आप बिज़नेस कर सकते हैं, सिवाय धर्म कर्म का जो कार्य है उससे रिलेटेड बिज़नेस करना ज़्यादा फायदे में नहीं रहेगा। बाकी किसी भी चीज़ से आप करें आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। और सोने पे सुहागा वाली बात तब रहेगी जब आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं। शुक्र लग्जरीज़ को इंडिकेट करता है, लग्जरीज़ हुआ, दिखावटी चीज़ें हुई, कॉस्मेटिक हुए, कपड़े हुए, और ऊपर से जब यहाँ पर आपका शुक्र भी अच्छा है, चंद्र का भी क्षेत्र अच्छा है, तो होटल से रिलेटेड काम हो गया, खान पान से रिलेटेड काम हुआ, तो इसके द्वारा भी आपका जो है यहाँ पर भाग्य उन्नति का योग या लाभ मिलने के अत्यंत योग जो है देखने को मिल रहे हैं। और पूरा का पूरा आपका जो पाम है वो शुक्र शासित है, जब शुक्र शासित हाथ होता है तो लग्जरीज लाइफ जीने के साथ साथ बहुत सारी जो दिखावटी चीज़ें होती हैं, रॉयल्टी होती है, उसकी चाहत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आप जैसे लोग ज़्यादा अपने लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं कर पाते अपने ड्रीम या डिज़ायर या नीड को लेकर के, अगर आपका आदत में है या आपकी इच्छा है फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना तो आप करेंगे, चाहे हालत कितनी ही तंगी क्यों ना हो, अपने लग्जरीज या अपने लाइफ स्टाइल से कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ भोग विलास की चाहत भी ज़्यादा होती है, तो सेक्स एडिक्शन या प्लेजर की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा फील होती है, और साथ ही साथ किसी चीज़ का एडिक्शन भी शुक्र यहाँ पर देता है। अगर ये एडिक्शन अगर बेनिफिशियल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर ये एडिक्शन आपको ट्रबल दे रहा है तो उसको समझिए और दूर करने का प्रयत्न करिए, नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझसे कहिए, उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पर जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए अब आते हैं ओवरऑल पाम के प्रेडिक्शन के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ बिना एनालिसिस के एक्शन कर लेना या डिसीजन ले लेना, इसकी प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा शो हो रही है। जहाँ तक देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है वो तो, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि शुक्र आपका जब ज़्यादा डेवलप होता है तो ये बहुत सारी इच्छाओं को उत्पन्न करता है, किसी एक चीज़ पर स्थिर होने नहीं देता है। जो चीज़ आपके पास है उसका आपको कोई भी ख्याल नहीं रहने वाला है, जो नहीं है उसी के पीछे बार बार आप भागेंगे, तो इस कारण ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, एक्शन जोन में और थिंकिंग जोन में, क्योंकि बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लेते हैं और जो चीज़ सोचते विचारते जिसके ऊपर ज़्यादा है उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें स्थिरता बनाना प्रारंभ करें, कंटिन्यूटी बनाना प्रारंभ करें, और
अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल के काम करें, क्योंकि जब मरकरी माउंट भी थोड़ा सा, माफ़ करें, मरकरी जो यहाँ पर फिंगर है ये जब थोड़ी वीक देखने को मिलती है तो रिप्रेजेंटेशन में भी थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को या हिम्मती स्वभाव हम कह सकते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंडिकेट करता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। तो स्टेटस सोसाइटी में अच्छे बनने के योग आपके गवर्न यहाँ हो रहे हैं। और फिंगर के ऊपर भी देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को बताता है, तो इस कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के आप सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी डील अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ तक देखें तो लिटिल फिंगर एकदम स्ट्रेट है, कहीं इसका ज़्यादा झुकाव नहीं है, तो ज़िद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला रहेगा और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी थोड़े से ज़्यादा शो हो रहे हैं। फेलेजेस डेवलप अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल वीक है, स्टेमिना ऊर्जा अच्छा है लेकिन वो स्टेमिना ऊर्जा किसी और चीज़ में व्यर्थ हो जाता है। अब वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ ये चीज़ अप्लाई हो रही है आपकी लाइफ में। बाकी जहाँ तक थंब की बात किया जाए तो थंब भी यहाँ पर आपका सशक्त है, तो इस कारण से किसी के सामने झुकना आपको ज़्यादा पसंद भी नहीं रहेगा और जो आपका व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने निखर के भी आने वाला रहेगा। पाम के साइज़ पर आते हैं तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वायरिश है जो सबसे पहले हार्डवर्किंग नेचर को बताता है कि मेहनत से कभी भी आप हिचकिचाएंगे नहीं, ना ही भागेंगे, बस डायरेक्शन की थोड़ी सी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसी है या फेट का थोड़ा सा यहाँ पर साथ नहीं है, बाकी आप अपने मेहनत के बदौलत बहुत प्रोग्रेस ग्रोथ करने वाले हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र जैसा थोड़ा सा दब गया है तो ये पारिवारिक सुख में जैसे थोड़ी कमी हुई या डिस्टेंस हो गया फैमिली से, उसको यहाँ पर यो बताता है कि फैमिली के सुखों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आती है, लेकिन डोंट वरी आपका मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरी बात, आपकी जो ये माइंड लाइन है ये गुरु से ही स्टार्ट हो रही है जो कि बताती है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर डेवलप करता है, तो नॉलेज से या इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कोई कमी नहीं है और इसी के बलबूते पर लाइफ में बहुत अच्छा एक प्रकार से औधा पा लेने वाले रहेंगे, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं पोजीशन को इंडिकेट करता है और पोजीशन आपको आपकी लाइफ में मैरिज के बाद बहुत अच्छी मिलने वाली है। आड़ी यहाँ की रेखा डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और एक प्रकार से धार्मिक क्रिया के प्रति रुचि को व्यक्त करती है। सैटर्न माउंट कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, तो मेहनत अच्छी करेंगे लेकिन फेट लाइन प्रॉपरली नहीं पहुँचाए तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ज़रूर लेकिन लेट मिलेगा। मिलेगा इसलिए क्योंकि अंततः एक रेखा जरूर पहुंच रही है लेकिन वो भी टूट करके हल्की सी है वो, लेकिन आगे चल करके ये रेखा स्ट्रांग होती है तो सेटिस्फाइड भी अपने लाइफ में फुली हो पाएंगे। बाकी बात करें सूर्य की तो सूर्य पर मल्टीपल लाइन कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो कन्फ्यूज्ड अब नहीं होना है, बहुत पीक पॉइंट पर अब आप अपने लाइफ पर आ गए हैं कि कहीं ना कहीं अब करियर स्टार्ट करना ही है, तो सोच विचार के अच्छे डिसीजन लेकर के गवर्नमेंट जॉब का चाह रहे हैं तो वो कंटिन्यू करिए, रेमेडीज़ के साथ बिजनेस का अगर चाह रहे हैं तो वो कंटिन्यू करिए, फिर उसमें फिर किसी और चीज़ को ऐड इन आपको करना नहीं रहेगा, अगर नहीं करते हैं तो ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। मैं सिर्फ आपको एक प्रकार से राय दे सकता हूँ लेकिन ऑर्डर आपको अपने आप को खुद ही यहाँ पर देना है। इसके अलावा मरकरी माउंट कुल मिलाकर के ठीक है यहाँ पे और यहाँ मल्टीपल्स लाइन जो निकल रही है ये बिज़नेस के प्रति आपको रुझान ध्यान खींचेगी आपका और व्यापार के द्वारा आपको लाभ भी मिलने वाला है, ये भी बात है क्योंकि यहाँ ये आपकी फेट लाइन इस प्रकार से ये चल रही है और यहाँ देखें बारीकी से तो यहाँ ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा और जब ये ट्रायंगल बनता है तो भले ही धन का हानि हुआ, कितना हुआ या लोन लिया या नहीं लिया वो बात सेकेंडरी टर्शरी होती है, लेकिन धन जीवन में हमेशा अवेलेबल रहता है, ये बात जरूर यहाँ पर दिखती है और आगे चल करके धन की स्थिति भी अच्छी हो रही है। जहाँ तक बात करें आपके हृदय रेखा की तो हृदय रेखा डबल लाइन के साथ और थोड़ी एक प्रकार के छोटे आइलैंड के साथ और बिखर के चल रही है जो कहीं ना कहीं इमोशंस फीलिंग्स में बार बार चेंजेस को बताता है। एक्सपेक्टेशन दूसरों से थोड़ा कम रखें और यहाँ हृदय रेखा सीधे आपके गुरु और शनि के बीच में जा रहा है तो कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ जो धार्मिक क्रियाकलाप है इसके प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी, थोड़ा कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर एक प्रकार से डिटेलिंग नेचर रहने वाला है कि हर बात के एकदम जड़ तक जाना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा क्योंकि गुरु शनि का जब इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो आप जैसे लोगों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लाइफ में उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के क्लेरिफाई नहीं हो जाएंगे तब तक आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा। गुरु यहाँ पर अध्यात्म के प्रति रुचि को व्यक्त करता है और शनि थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम निकलवाने की प्रवृत्ति को बताता है, तो ये जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बार बार इमोशंस फीलिंग्स में चेंजेस नॉर्मली आते हुए देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल देखें तो इमोशनल नेचर भी रहेगा आपका, प्रैक्टिकल नेचर भी रहेगा और यहाँ
बात करें आपके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन एकदम इंडिपेंडेंट है, लॉन्ग माइंड लाइन है। एक तो ज़िद्दीपन भी आपके अंदर बहुत रहे है, अपने ज़िद्द के आगे आप किसी की भी नहीं सुनेंगे। दूसरा, लॉन्ग माइंड लाइन है तो लॉन्ग स्टडीज़, डीप और हार्ड स्टडीज़ को बता रहा है। तो इस कारण से स्टडीज़ के माध्यम से ग्रोथ मिलने के चांसेस यहाँ पर ब्राइट है। कॉम्पिटिशन में जो है, आप जैसे लोग बहुत अच्छे, आप जैसे माइंड वाले लोग बहुत अच्छे से सक्सेस हो पाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए मंगल का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर योद्धा होता है, और अगर योद्धा कमज़ोर हो गया तो जितना भी ज्ञान हो और ऊपर से जैसे फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सक्सेस फिर नहीं मिल पा रहा है। तो मंगल के भी रेमेडीज़ करने हैं ताकि स्टेमिना, ऊर्जा यानी योद्धात्मक गतिविधि बढ़े और कॉम्पिटिशन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके। हनुमान जी का शरण लेना इस टाइम पर सबसे ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। फिर यहाँ बात किया जाए आपकी लाइफ लाइन पर, तो लाइफ लाइन आगे चल करके बाहर की ओर एक रेखा गई है, शुक्र पर झुक गई है। तो फैमिली से कनेक्शन ज़्यादा रहेगा, फैमिली से ज़्यादा समय दूर नहीं रह पाएंगे आप। और जहाँ तक बात करें तो सहयोगी रेखा भी जो प्रारंभ यहाँ पर हो रही है हल्की सी, वो भी तकरीबन 34-35 के एज के बाद से हो रहा है। तो उसके बाद से लाइफ में सपोर्ट सिस्टम भी ब्राइट हो जाएगा। शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, तो हर प्रकार की लग्जरी व सुख सुविधा अपने जीवन में आप अर्जित भी कर पाएंगे। थोड़ी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है फैमिली से रिलेटेड, जो कि नहीं करनी चाहिए। बाकी बात करें आपके यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं के विषय में, तो सीधी खड़ी रेखा थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है बहुत जल्दी अब लाइफ में, उसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी कमी नहीं है। और शुक्र ज़्यादा डेवलप है, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो खर्चों पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं नियंत्रण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो कम्फर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहते। उससे निकलेंगे तो ही आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाला है। बाकी बात करें केतु माउंट की, केतु माउंट ठीक अपना एरिया ले रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, डिवाइडेड लाइन भी है, तो ट्रैवलिंग इस कारण से होती ही रहती है हमेशा कहीं ना कहीं। और एक प्योर स्क्वायर का फॉर्मेशन बना हुआ है आपका यहाँ पे, जो बताता है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी बेशक होगी लेकिन जन्म स्थान से दूर फॉरेन लैंड में होने के चांसेस ब्राइट हैं। यहाँ की आड़ी रेखा भी विदेश यात्रा को ही व्यक्त करता है, और एक प्रकार से देखें तो एक स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन एक और यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा, जो बताता है कि कहीं ना कहीं साफ सुथरा रहना, सच सुनना, यहाँ पर सच का साथ देना, क्रिएटिव माइंडसेट रखना, ये सारी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर यहाँ पर डेवलप्ड हो रही है। तो चंद्र का एरिया कुल मिला करके पॉजिटिव रिएक्शन आपको दे रहा है, और बस आपको थोड़े से अपने लाइफ में जो लक फैक्टर है उस पर थोड़ा काम करना है, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।